बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आवाम की सोच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान नीलम अरशद। नाज़रीन, एक अच्छी खबर पाकिस्तान भर के लिए कि पाकिस्तान में भी पहली बार कोविड वैक्सीन जो है वो पहुंच चुकी है और आज इसका पहला मरहला है। यहां पर जो फ्रंट लाइन हीरोज़ हैं उनको पहली जो खेप है वो लगाई जाएगी और इसका एक तरह से तजर्बा किया जा रहा है आज। तो मैं इस वक्त तलाई के मकाम पर मौजूद हूँ, मरकज़ी देही सेहत है ये, और आपको यहाँ बताएँ कि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं वो भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं और बड़ी ही खुशाइन बात है कि कोविड की जो वैक्सीन है वो पाकिस्तान पहुंच चुकी है और आज पहली खेप जो है यहाँ पर जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उन पर तजर्बा किया जाएगा। साथ ही साथ आपको बताएं कि कोविड चूंकि एक बहुत ही बड़ी वबा रही पाकिस्तान भर में, गुज़श्ता साल हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में हलाकतें भी हुई और अब तक पाकिस्तान में तकरीबन 10,000 से ज़ायद अफराद जो हैं वो इसकी वजह से जान की बाजी हार चुके हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर अभी देखा हमने कि बतदरीज जो कमी है नुमाया वो देखी जा रही है। गुज़श्ता रोज़ 50 अफराद जान से गए, आज 48 अफराद जो हैं वो जान से गए हैं और सबसे ज़्यादा जो तादाद है अगर उसकी बात की जाए तो वो पंजाब और सिंध के इलाका जाते हैं जहाँ पर अमवात की तादाद अभी भी ज़्यादा है और जो शरह है मुस्बत केसेस की वो भी काफ़ी हद तक जो है वो कम होती ही जो है दिखाई दे रही है। NCOC के मुताबिक नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है जो कि तमाम के तमाम जो कोविड की सिचुएशन है उस पर नज़र रखे हुए, उसके मुताबिक अब जो हाल है वो बतदरीज बेहतर हो रही है। नुमाया कमी के साथ साथ एक अच्छी खबर है कि वैक्सीन जो है वो पाकिस्तान पहुँच चुकी है। रशिया से, चाइना से जो वैक्सीन है उसको मंगवाने का जो सिलसिला है उसके हवाले से रोज़ाना की बुनियाद पर इजलास जो है वो भी हो रहे हैं। लिहाजा आज जो है वो यहाँ पर मरकज़ी देहे सेहत तरलाई में जो पहली खेप है वो पहुँच चुकी है और उसकी जो तरसील है वो भी की जाएगी, लेकिन पहले उसका जो टेस्ट है वो फ्रंट लाइन वर्कर्स पर होगा। तो आइए आज आपकी बात करवाते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से कोविड जो वैक्सीन है उसका मरहलावार आगाज़ हो रहा है। जी, तो कोविड में हमने देखा कि जहाँ पर फ्रंट लाइन वर्कर्स काम करते रहे तो वहीं पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जो थे वो बड़े पेश नज़र आए। अच्छी खबर ये है कि अब ये चीज़ जो है वो काफ़ी हद तक कमी भी जो है देखने में आ रही है। नुमाया जो केसेस की शरह है मुस्बत वो भी कम होती हुई नज़र आ रही है। तो इस पहली खेप में जहाँ पर फ्रंट लाइन वर्कर्स को ये वैक्सीन लगाई जाएगी, एक तरह से मॉक एक्सरसाइज हो रही है, तो इसी पर बात करते हैं डॉक्टर जैम से, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, उनसे पूछते हैं कि क्या कहेंगे। एक अच्छी खबर है कि बतदरीज जो कमी है नुमाया हद तक वो देखी गई और इस वैक्सीन के हवाले से इनका क्या कहना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर जैम, बताइएगा, आप पेश रहे, आपने बहुत अच्छा काम किया, बड़े अच्छे तरीके से अभी तक कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस वैक्सीनेशन के हवाले। जी बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आपने हमेशा आपके चैनल के थ्रू बहुत सपोर्ट रही है मीडिया की। और ये जो वैक्सीनेशन है, जब ये पूरी दुनिया में आ रही थी तो उसी वक्त नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल सर्विसेज की ये स्ट्रैटेजी थी कि हमने पहले फेज में जो ही तरक्की याफ्ता ममालिक में लगे उसी के साथ साथ यहाँ पर भी लगे, उसको मद्देनज़र रखते हुए आज ये दिन यहाँ पे हम खड़े हैं कि हम वैक्सीनेशन को रोल डाउन करने के लिए और ये पायलट फेज़ के अंदर इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर और इसी तरह के सेंटर्स, इसी तरह के निज़ाम पूरे मुल्क में राइज होगा। इसके लिए नादरा का जो रजिस्ट्रेशन सिस्टम था उसके तहत 1166 के ऊपर अगर आप मैसेज करेंगे अपना आईडी कार्ड नंबर, आपको पता लगेगा कि किस सेंटर के अंदर आपका वैक्सीनेशन करानी है, किस डेट को करानी है, किस टाइम पे करानी है। आप वो मैसेज लेके जब आप फैसिलिटी पाएंगे तो आपको वो दिखाना होगा और दिखाने के बाद वहाँ पे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं आपको वैक्सीनेट कर देंगे। जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं फेज़ वन है, फेज़ टू के अंदर जनरल पॉपुलेशन होगी जिसके तमाम लोगों को तहमुल रखें। जो जो वैक्सीन आती जाएगी पहले हेल्थ केयर वर्कर्स होंगे, एल्डरली होंगे, फिर जो है जनरल पॉपुलेशन होगा और तमाम लोगों को होगी, क्योंकि जब हेल्थ केयर वर्कर्स सेहतमंद होंगे तो मेरे ख्याल में देखें बेटर टेक केयर ऑफ जितने भी हमारे आवाम हैं उनके लिए। जी, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि पहले जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनके ऊपर ये जो वैक्सीन है वो ट्राई की जा रही है। आखिरी सवाल मेरा आपसे, अभी जो कोरोना की सिचुएशन है मुल्क में तो ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कि कमी आ रही है, इस्लामाबाद की सिचुएशन क्या है? इस्लामाबाद की अगर थोड़े से इदाद शुमार अगर आप बता दें कि किस हद तक ये चीज़ जो है वो कम हो रही है, नुमाया कमी आ रही है। इस्लामाबाद के अंदर, इस्लामाबाद हैज़ ऑलवेज बीन अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्टेशन, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा मूवमेंट होती है, इतनी फ्लाइट्स आती है, इतने हेल्थ केयर सीकिंग जितने भी पेशेंट्स होते हैं वो इस्लामाबाद आते हैं। इस्लामाबाद में पॉजिटिविटी 2.5 से लेके 3.5 के बीच में, एज अपोज टू अगर आप नेशनल पॉजिटिविटी देख लें तो इस्लामाबाद इज़ डूइंग मच बेटर। और हम कंटिन्यूसली सर्वेलेंस कर रहे हैं और अभी भी इसी तरह से करेंगे, और आने वाले वक्तों में वैक्सीन लगने का मतलब ये नहीं कि कोविड-19 उसको मास्क या फिजिकल डिस्टेंसिंग का वो कॉन्सेप्ट खत्म होगा, इट विल स्टिल बी देयर।
एंड विल स्टिल हैव टू बी केयरफुल, लेकिन इस्लामाबाद की स्टेटिस्टिक्स रीअश्योरिंग है। इट इज़ टू अर्ली टू से दैट, बट वैक्सीन इज अराउंड द कॉर्नर एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। तो ये सब कुछ अगर कहा जाए कि सबके साथ साथ यकीनन डॉक्टर ज़ईम आपका भी बहुत बड़ा किरदार है इसमें, थैंक यू सो मच आपके वक्त का। तो नाज़रीन बड़ी अच्छी ही खबर है कि यकीनन दीगर शहरों की तरह इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो पॉजिटिविटी रेशो है वो काफ़ी हद तक जो कम है वो होता हुआ महसूस हो रहा है, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं, जो तिब्बे माहरीन हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनका ये कहना है कि साथ ही साथ वैक्सीनेशन आने का मतलब ये नहीं कि आपने जो SOPs हैं उन पर अमल दरामद करना छोड़ देना है, सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी है, मास्क भी पहनना है और तमाम के तमाम जो मेयर्स हैं उनको भी अपनाना होगा। आगे चलते हैं और लोगों से भी आपकी बात करवाते हैं। जी बिल्कुल, कोविड में जहाँ पर दीगर हमने देखा फ्रंटलाइन वर्कर्स काम करते रहे तो वहीं पर जो गवर्नमेंट की जानिब से मुख्तलिफ हमारे तिब्बी माहरीन हैं वो भी फ्रंट फुट पर नज़र आए। तो डॉक्टर सूफिया हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और यहाँ पर जो कोविड सेंटर बनाया गया है जहाँ पर वैक्सीन की पहली खेप जो है वो लगाई जा रही है फ्रंटलाइन वर्कर्स को, तो इन्हीं से पूछते हैं कि क्या कहेंगी अभी इस वक्त जो कोविड की सिचुएशन है मुल्क भर में, काफ़ी हद तक NCOC के मुताबिक थोड़ी सी बेहतर जो है वो नज़र आ रही है, अच्छी खबर है कि वैक्सीन जो है वो भी पहुँच चुकी है, तो इनसे बात करते हैं, पूछते हैं। डॉक्टर सूफिया थैंक यू सो वेरी मच आपके टाइम का, एंड यकीनन आप लोग जो खराज तहसीन है उसके मुस्तहिक हैं कि फ्रंट लाइन वर्कर्स के तौर पर आप लोग हमेशा आगे आगे रहे, पेश पेश रहे, काम करते रहे। बताइएगा एक अच्छा दिन पाकिस्तान में यकीनन, और यहाँ पर जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उन्हीं पर पहला तजुर्बा भी किया जा रहा है, तो क्या कहेंगे इस सब पर? जी थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ दावत दी बात करने की। सो आज हम एक ड्राई रन कर रहे थे कि जैसे ही वैक्सीन दस्तयाब होगी तो इसको जो हमारे वर्कर्स हैं उनको कैसे लगाया जाए। सो इसमें क्योंकि ये सिस्टम हमने डेवलप किया है, एक कंप्यूटराइज सिस्टम है जिसको कि हेल्थ फैसिलिटी तक पहुँचा दिया गया है। सो जैसे ही वैक्सीन रजिस्टर होगी वो हमारे EPI के सिस्टम में आ जाएगी और वो नेशनल से प्रोविंस, प्रोविंस से डिस्ट्रिक्ट और हेल्थ फैसिलिटी तक हमने इसको मुहैया करना है। और इसमें फिर साथ ही रजिस्ट्रेशन का अमल भी जारी है जिसमें हेल्थ केयर वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन हो रही है। जैसे ही वो रजिस्टर हो जाएंगे सो उनको एक ख़ास किस्म का पासवर्ड इशू किया जाएगा और उनको उसमें हेल्थ फैसिलिटी का नाम बताया जाएगा कि आपने यहाँ पे अपनी वैक्सीनेशन करवानी है। वो अपने मुकर्रा दिन पर वहाँ हेल्थ फैसिलिटी पर पहुँचेंगे और वहाँ पर अपना जाके पासवर्ड बताएँगे जिसको चेक किया जाएगा कि आया ये वही शख्स है जिसका अंदराज हुआ हुआ है सिस्टम में। सो क्रॉस चेक के बाद उसको वैक्सीन फराहम की जाएगी और वैक्सीन लगवाने के आधे घंटे तक वो अपने हेल्थ फैसिलिटी में ही रुकेंगे और फिर उसके बाद वो घर जा सकेंगे। सो ये निज़ाम है और इसको आज हमने ये टेस्ट किया है ताकि पता चल सके कि अगर कोई सिस्टम में कोई गैप रह गया है या कोई खामी रह गई है तो उसको दूर किया जा सके। जी थैंक यू सो मच, डॉक्टर सूफिया हमारे साथ मौजूद थी और उनका कहना है कि एक तरह से मॉक एक्सरसाइज जो है वो की जा रही है कि जैसे ही जो वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो जाएगा तो उसके बाद से किस तरीक़ेकार से आगे बढ़ा जाएगा और किस तरह से लोगों तक ये वैक्सीन पहुँचाई जाएगी। आगे चलते हैं, आपको जो वैक्सीन सेंटर है उसका विजिट करवाते हैं, बताते हैं कि किस तरह से ये जो वैक्सीन सेंटर है काम करेगा। यकीनन वैक्सीन आने के बाद से मरहलावार इसको लगाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। निकाश मेरे साथ चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू होगा। सबसे पहले आपको रिसेप्शन दिखाते हैं कि यहाँ पर किस तरह से कोविड का रिसेप्शन बनाया गया है। वैक्सीन सेंटर की एक तरह से मॉक एक्सरसाइज है लेकिन इसका तरीक़ेकार बताया गया कि किस तरह से ये काम करेगा। ऐसे यहाँ पर पहले रिसेप्शन सेंटर होगा, बाकायदा कोविड के जो मेजरमेंट्स हैं उनको फॉलो किया जाएगा और साथ ही साथ आगे चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से अंदर भी काउंटर्स जो हैं वो बने हुए हैं, रजिस्ट्रेशन का अमल किस तरह से काम करेगा। नादरा का जो सेंटर है आपका वो किस तरह से इन्वॉल्व है उसके हवाले से भी आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि ये सेंटर किस तरह से काम कर रहा है। तो चलिए मेरे साथ। जी तो रिसेप्शन के बाद मरहला शुरू होगा रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन में आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे। नादरा की जानिब से जो रजिस्ट्रेशन की जा चुकी होगी NIC भेजने के बाद से यहाँ पर इनके पास पासवर्ड्स होंगे, कोड्स होंगे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ से लोगों को आगे भेजा जाएगा और उनका इंदराज जो है इसी काउंटर से होगा। आगे चलते हैं। जी तो रजिस्ट्रेशन के बाद अगला मरहला होगा स्टेशंस का जहां पर वैक्सीन जो है वो लगाई जाएगी। यहां पर आपको दिखाएंगे कि एक मॉक एक्सरसाइज की जा रही है, बताया जा रहा है कि किस तरह से ये वैक्सीन सेंटर जो है वो काम करेगा। तो इस तरह से यहां पर स्टेशंस जो हैं वो बनाए गए हैं, बाकायदा तौर पर जो डिस्टेंसिंग है सोशल उसको भी फॉलो किया जा रहा है। बाकायदा यहाँ पर किट्स, मास्क, ग्लव्स सब कुछ यहाँ पर सैनिटाइज़र समेत पड़ा हुआ है और सोशल डिस्टेंसिंग को मलहूज़ खातिर रखते हुए काउंटर्स जो हैं वो मुख्तलिफ बनाए गए हैं। यकीनन यहाँ पर 3 काउंटर्स जो हैं वो बनाए गए हैं। जैसे ही वैक्सीन और रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो मुकम्मल हो जाएगा तो यकीनन बड़े पैमाने पर ज़्यादा स्टेशंस के साथ ज़्यादा लोगों को जो सहूलत है वो फराहम करने का सिलसिला शुरू होगा।
everything you know is in your mind. वैक्सीन लगाई जाएगी, वैक्सीन रखी कहा जाएगी, उसके हवाले से भी आपको बताएं कि एक मॉक एक्सरसाइज में ये भी बताया गया कि किस तरह से वैक्सीन को जो है वो रखा जाएगा, वैक्सीन बॉक्सेस जो हैं वो रिज़र्व कर दिए गए हैं बाकायदा तौर पर, जैसे ही रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल हो जाएगा तो इसको लगाया जाएगा। जो यहाँ पर ऑफिसर्स बैठे हैं, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स भी हैं, मुख्तलिफ लोग हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि किस तरह से वो काम करेंगे अपना, और यकीनन फ़राइज की अंजाम दही में ये लोग आगे आगे हैं, तो इन्हीं से बात करते हैं। बताइएगा क्या कहेंगे, आज तो एक तरह से मॉक एक्सरसाइज हो रही है, तो आप रेडी हैं इस एक्सरसाइज को बाकायदा एग्जीक्यूट करने के? इंशाल्लाह बिल्कुल हम रेडी हैं और इसी के लिए हम बैठे हैं। यहाँ पे हम थ्रू प्रॉपर सप्लाई चेन हम ये काम करते हैं, और यहाँ पे मैं एज अ वैक्सीनेटर काम करता हूँ। हमारा सप्लाई चेन मैं आपको दिखा सकता हूँ कि हम फेडरल से हमें इशू होते हैं प्रोविंस को, फिर प्रोविंस की डिस्ट्रिक्ट स्टोर पे वो वैक्सीन जाती है, फिर यहाँ पे हमने ये उसके लिए मुख्तस किया हुआ है, स्टोर इंचार्ज से हम वैक्सीन लेते हैं, यहाँ ILR में रखते हैं, फिर यहाँ पे हमारी जितनी भी डिमांड होती है उस डिमांड के मुताबिक हम कैरियर वैक्सीन इसमें वैक्सीन दे के वहाँ पर डिलीवर करते हैं, जो हमारे 3 स्टेशन बने। अब इसका एक प्रोसेस है, हमने इसके लिए सॉफ्टवेयर बनाया, जो ये सॉफ्टवेयर हमने इसीलिए बनाया है कि यहाँ पे हमारे वोचर वहाँ से आते हैं, फिर यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर भी मोबाइल ऐप भी हमने बनाया कि अगर कहीं पे भी ये करेक्शन यहाँ पे किसी नेट मसला आता है, प्रॉब्लम आते हैं, तो हम मोबाइल से भी ये काम कर सकते हैं ताकि हमारा काम न रुके। और यहाँ पे हम इसकी डेटा एंट्री, यहाँ पे पेंडिंग वोचर में हमारे सामान आते हैं, यहाँ पे हम एंट्री करके एक मैनुअल रिकॉर्ड भी हम मेंटेन रखते हैं ताकि इसको प्रॉपर टू प्रॉपर चैनल, इसमें इसका सारा डेटा सब कुछ रिकॉर्ड करके हम वहाँ पे वैक्सीन डिलीवर करते हैं। हाँ, तो ये हमारा प्रोसेस है। ठीक है जी। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर कोरोना वैक्सीन की जो मॉक एक्सरसाइज है वो तो चल रही है, साथ ही साथ आपको बताएं कि बड़े ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से तमाम के तमाम जो लोग हैं अपनी जिम्मेदारियों को अंजाम दे रहे हैं। तो आज हमने आपको दिखाया है कि कोविड की जो मॉक एक्सरसाइज है वो यहाँ पर रूरल एरिया में देही मरकज़ सेहत है तरलाई का मकाम यहाँ पर चल रही है, और कोविड वैक्सीन की जो तैयारी का अमल है वो उसको जाँचने के लिए यहाँ पर एक मॉक एक्सरसाइज की गई है। मुख्तलिफ जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स हैं, मुख्तलिफ जो NCOC के मुख्तलिफ नुमाइंदगान हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद थे और बता रहे हैं कि जैसे ही जो वैक्सीन है यहाँ पर पहुँच जाएगी तो मॉक एक्सरसाइज करने का मकसद ये है कि उसको फौरी तौर पर एग्जीक्यूट किया जाएगा। यकीनन एक अच्छी खबर है पाकिस्तान भर के लिए कि ये जो कोविड की वैक्सीन है यहाँ पर दस्तयाब होगी, और मॉक एक्सरसाइज में ये बताया जा रहा है कि किस तरह से तरसील होने के बाद से इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। जी, तो प्रोग्राम आवाम की सोच में आज हमने आपको बताया है कि कोविड वैक्सीन की तैयारी का मरहला वार जो सिलसिला है वो तो शुरू हो चुका है, लेकिन इसकी तरसील कैसे होगी। आज हमने आपको दिखाया है कि मॉक एक्सरसाइज जो है यहाँ पर की जा रही है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के साथ साथ जो मुख्तलिफ NCOC के नुमाइंदगान हैं वो भी शरीक हैं, और बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है कि जैसे ही वैक्सीन और लोगों का जो रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल होगा तो इसको बाकायदा तौर पर एग्जीक्यूट किया जाएगा। आवाम की सोच से नीलम अरशद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सब पे नजर, अंदर की खबर।